हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कंपस। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 10 वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या फुल फॉर्म होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एंड पीसीबी को आप एक और नाम से बोल सकते हो, टास्क कंट्रोल ब्लॉक। इसका दूसरा नाम होता है टीसीबी बोलो या पीसीबी बोलो, लेकिन बहुत ही पॉपुलर पीसीबी नाम है, हर जगह आपको पीसीबी ही मिलेगा। ये होता क्या है? इट इज ए डेटा स्ट्रक्चर डेट कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस से जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होता है, प्रोसेस से रिलेटेड, वो सारे इन्फॉर्मेशन को ये एक डेटा स्ट्रक्चर बनाकर स्टोर करता है। एक डेटा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें वो सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं एंड उस डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पीसीबी बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर डेट कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस एंड इट इज मेंटेन्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस। ये पीसीबी बनाता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा, ठीक है? पीसीबी को बनाना, मेंटेन रखना एंड ये हर प्रोसेस के लिए बनता है। जितने प्रोसेस आपके सिस्टम में क्रिएट होंगे, सारे प्रोसेस का अपना अपना पीसीबी होता है, ठीक है? सबका अलग अलग अपना अपना पीसीबी होगा एंड इस पीसीबी में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होते हैं? प्रोसेस रिगार्डिंग, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस का स्टेट कौन सा है, प्रोसेस आईडी क्या है, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू से डीलिंग इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन एंड मेमोरी इन्फॉर्मेशन। अब हम इन सारे इन्फॉर्मेशन को एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या। प्रोसेस स्टेट, द स्टेट ऑफ द प्रोसेस मे बी रेडी, रनिंग, वेट एटसेट्रा। प्रोसेस स्टेट जो इन्फॉर्मेशन होगा उसमें ये हमारा स्टोर होगा कि हमारा जो प्रोसेस है अभी किस स्टेट में है। वो रेडी स्टेट में हो सकता है, रनिंग स्टेट में हो सकता है, वेट स्टेट में हो सकता है, तो वो कौन से स्टेट में है ये हमारा स्टोर होगा पीसीबी में। प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी प्रोसेस। हर प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हर प्रोसेस को एक आईडी देता है, एक नंबर देता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस आईडी। यूनिक होता है, हर प्रोसेस का अलग अलग नंबर होगा। इट इज असाइंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू अ प्रोसेस। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को असाइन करता है। प्रोसेस आईडी जनरेट करना एंड प्रोसेस को असाइन करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम काउंटर, इट इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोसेस। प्रोसेस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो अभी कोई, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है एंड उसमें तीन इंस्ट्रक्शन है, I1, I2 एंड I3 एंड अभी ये वाला इंस्ट्रक्शन I1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, देन प्रोग्राम काउंटर किसका एड्रेस रखेगा? I2 का। I2 का प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन एड्रेस रखेगा कि I2 जो इंस्ट्रक्शन है वो कहां स्टोर है एंड जब हमारा I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा देन प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? इसका एड्रेस ना रखकर वो I3 का एड्रेस रखेगा। इट मींस प्रोग्राम काउंटर किसका एड्रेस रखता है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, अभी I2 एग्जीक्यूट हो रहा है देन वो I3 का एड्रेस रखेगा। इट इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। CPU रजिस्टर, CPU रजिस्टर में कौन से इन्फॉर्मेशन होते हैं? विच टाइप ऑफ CPU रजिस्टर इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस। हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU के किस टाइप का रजिस्टर हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि CPU में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, जैसे जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, एक्यूमुलेटर होता है, इंडेक्स रजिस्टर होता है, तो हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से रजिस्टर चाहिए, किस किस टाइप के रजिस्टर की हमें रिक्वायरमेंट है, ये हमें कहां से पता चलेगा? सीपीयू रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन से। सीपीयू शेड्यूलिंग, इन्फॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल इन शेड्यूलिंग ए प्रोसेस टू प्रोसेसर। वो सारे इन्फॉर्मेशन जो हमें हेल्प करते हैं कि प्रोसेस को प्रोसेसर को शेड्यूल करें, प्रोसेस को सीपीयू को शेड्यूल करने में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें यूजफुल होता है, जैसे प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, या अगर हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम आगे में देखेंगे, तो अगर हमारा फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व अगर हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है तो उसमें अराइवल टाइम इंपॉर्टेंट है, तो प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है, या राउंड रोबिन है तो बर्स्ट टाइम क्या है वगैरह वगैरह, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोसेस को सीपीयू शेड्यूल करने के लिए, वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ होगा? सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन उसको बोलते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, अराइवल टाइम एटसेट्रा। इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन, इट इंक्लूड लिस्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेटेड टू ए प्रोसेस लाइक प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा। इट मीन्स किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस
कि उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे डिवाइस का नाम इस इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन में होगा। मेमोरी रिक्वायर इंफॉर्मेशन, मेमोरी इंक्लूड हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड टू ए प्रोसेस, एड्रेस ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड टू ए प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे कितनी मेमोरी चाहिए रैम में, वो मेमोरी इंफॉर्मेशन में होगा। एंड एड्रेस ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड, एंड वो जो मेमोरी स्पेस जो हमने एलोकेट कर रखा है उस प्रोसेस को, उस मेमोरी स्पेस का एड्रेस क्या है, ये चीज हमारा क्या कहाँ होगा, मेमोरी इंफॉर्मेशन में। जैसे ये देखिए एग्जांपल कि ये डाटा स्ट्रक्चर है, ऐसे ही पीसीबी होता है, उसमें होगा क्या, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, सीपीयू रजिस्टर्ड, प्रोग्राम काउंटर, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, मेमोरी इंफॉर्मेशन, और बहुत सारे और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, दो तीन और हैं। तो प्रोसेस आईडी, जैसे अगर आप एग्जांपल हो, कोई एक प्रोसेस है P1 है या P है, तो उस प्रोसेस का आईडी क्या है, 2453। तो हमारा ऐसे स्टोर होगा, प्रोसेस आईडी क्या है, 2453। प्रोसेस स्टेट, हमारा प्रोसेस स्टेट कैसा है, रनिंग में है, रेडी में है, तो यहाँ पर प्रोसेस स्टेट क्या है, रनिंग है। एंड प्रायोरिटी, प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, तो यहाँ पर 6 प्रायोरिटी दिखा रखा है। एंड सीपीयू रजिस्टर, उसे सीपीयू रजिस्टर कौन कौन से चाहिए, इंडेक्स रजिस्टर चाहिए, एंड बीसी क्या होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं बीसी, अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर देखा है तो उसमें पता चलेगा बीसी एक जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। एंड प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस, तो ये 2400 हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, तो ये किसका एड्रेस है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करना उसका। इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से डिवाइस उस प्रोसेस से एसोसिएटेड है, जैसे यहाँ पर प्रिंटर है और स्पीकर या कुछ भी हो सकता है, जो प्रोसेस डिवाइस कनेक्टेड होंगे उस प्रोसेस से, वो यहाँ पर लिखा होगा। एंड मेमोरी इन्फॉर्मेशन, कितने उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की गई है। तो ऐसे हमारा पीसीबी होता है, जो किसी भी हर प्रोसेस का अपना अपना पीसीबी होगा, एंड पीसीबी में उस प्रोसेस से रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।